आदरणीय सुरेश योगी जी, अभी अभी आपने हरियाणा में राज्य का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया है। मैं से आपके समाज से होते हुए आपसे एक जानकारी चाहता था कि क्या हरियाणा राज्य के अध्यक्ष चुनाव से पहले क्या हमें हर एक राज्य में हर एक जिले वाइज जो अपने 24-23 जो जिले हैं उन जिले वाइज हम हर जिले का प्रधान और साथ साथ गांव के लेवल तक हर गांव कस्बा मोहल्ला ढाणी जहां जहां भी हमारे समाज के लोग रहते हैं उन सभी समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हीं सभी लोगों को एक साथ जोड़कर क्या हम ये इलेक्शन नहीं करना चाहिए था। हम अपने पैसे के बलबूते पे अपने सुख के बलबूते पे जिस तरह से एक अपने कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा करके और इस तरह से अध्यक्ष राज्य स्तर पर अपने अध्यक्ष निर्वाचित कर रहे हैं, क्या इससे हमारे समाज का भला हो पाएगा? क्या हम अपने समाज के लोगों को उस जड़ तक उस गहराई तक जो गरीब है जो निर्धन है उनको भी क्या हम अपने साथ लेकर इस समाज की भलाई के लिए हम कुछ कर पाएंगे? जिस तरह से आज पैसे के बलबूते पर चाहे वो राधेश्याम हो या कोई भी अन्य ऐसा हो हमें एक दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, पर क्या हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या हमारी इतनी धरोहर जो हमारे नाथ समाज की धरोहर थी उन पर अन्य जातियों के लोग ये भगवा धारण कर हमारे जो विरासतों पर कब्जा किया हुआ उसके लिए हम कुछ कर पाएंगे? आप जब तक मेरी अपनी एक सोच है, हो सकता है कि मैं इससे अज्ञान हूं, लेकिन जिस तरह से हमारे हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर के मोहल्ले लोगों पर जब तक हम जागरूक नहीं कर पाएंगे किस तरह से हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं? हमें अपने हर एक एक घर को हर एक लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, हर लोगों को एक एक जोड़कर किस तरह से हम समाज को कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना एक स्तर पर एक हम आदर्श राज्य हरियाणा में अगर कर पाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। हम अध्यक्ष पद का चुनाव कर रहे हैं, अध्यक्ष चुनाव पे आप निर्वाचित हो गए हैं, मैंने भी आपको शुभकामनाएं भेजी थी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या हम जिले लेवल पर एक गांव लेवल तक एक सब जगह से लोगों को इकट्ठा करके अपने समाज के बच्चों को और अधिक जागरूक कर पाए? क्या हमारे समाज की बहन बेटियां और जिनके रिश्ते हम जो कर रहे हैं हम समाज में कर पा रहे हैं? हम किस तरह से अपने समाज को आगे उठा पाए? किस तरह से लोगों को हम एक दूसरे को बढ़ाकर उनको ज्ञान दे पाए, उनको और हौसला बढ़ा पाए, जो बच्चे निर्धन है उनको आगे बढ़ा पाए? इनके बारे में सोचने का बहुत विषय है। आज आप पैसे को लो पत्थर, खाली आप राजनीतिक अपनी विलासिता को आपने अभिलाषा को पूरा करने के लिए आपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप इलेक्शन स्टार्ट हो गए हरियाणा में, इस तरह से हम सत्ता के चाहत के लिए अपना उल्लू सीधा करने के लगे हैं तो मेरे को लगता नहीं ये सब उचित है। मेरी तो आप सबसे एक प्रार्थना है कि किस तरह से हम लोग समाज में बैठ के एक एक लड़ते लोगों को बनाए, कोई यहाँ पे गोरखनाथ समाज बना लेता है, कोई समाज बना लेता है और कोई काम करने वाला नहीं। आज की डेट में अगर पूरे भारत में जहां हमारी मेरे अनुमान के अनुसार 30% से ज्यादा लोग हमारे समाज हैं, जहां पे कहीं जोगी है और कहीं अगर साउथ में हम जाएं तो दूसरे नाम से हम लोगों को जाना जाता है, चाहे वो लिंगायत हो या कुछ और हो, चाहे आसाम में हो या त्रिपुरा में हो, आज भी हमारा समाज उसका उज्ज्वल भविष्य नहीं है। जब तक हम हर आदमी को जोड़कर और निजी आहतों से निजी उद्देश्यों के लिए हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। हम आए मिलें और समाज को हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचाएं, हर परिवार को पहुंचाएं। पहले आज हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमारे समाज में कितने लोग किस ग्राम और प्रांत में रहते हैं। आज हम खाली अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अपने आप को अध्यक्ष बनाकर समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए जो काम कर रहे हैं इससे समाज का भला होने ना रहे। मैं आपकी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों से माफी चाहता हूं, अगर मेरी बातों को बुरा लगा हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन कड़वी सच कड़वा होता है और उसको पीने की क्षमता होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।